वो आज वाजिद मुझे दबंग का गाना सुना रहा था। मीन्स ये रिलीज होने के पहले ये हमारा भाईचारा, ये एक परिवार है, ये तीनों का एक परिवार है। ये तीन जो हम साथ में आए हैं, ये आपको रोमांस नहीं, आपको रोमांस भी दिखाई देगा, ये आपको बहुत तरह का एंटरटेनमेंट देगा ये शो। लेकिन हम तीनों से ज़्यादा बहुत मज़ा जो आएगा आपको वो है सिंगर्स से, परफॉर्मेंसेस से, और संगीत की जीत होगी। आजकल ना मतलब लाइक अच्छा बहुत लोग गाते हैं, अभी आपके बाजू में आदित्य बैठे हैं, वो तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, कमाल के सिंगर है मेरे हिसाब से, बहुत बेहतरीन सिंगर है आदित्य। तो मतलब आप जब किसी प्रतियोगी को चुनेंगे तो उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी या क्या आपके दिल को छुएगा कि आप उसको सेलेक्ट करेंगे विनर के लिए? देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ है, यहाँ सुर की बात होती है, यहाँ एक परफॉर्मेंस की बात होती है, यहाँ दिल से कोई गाए। आप देखेंगे, आप इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं, जब जजेस के आंखों में आंसू आते हैं तो वो आंसू में इतने सच्चे होते हैं कि जब एक कनेक्शन बन जाती है तो एक ऐसी कनेक्शन बन जाती है कि हम वो वोट नहीं करते हैं कि आप मीन्स हमारी तरफ से आप जीत गए, ये देश वोट करती है, पूरी दुनिया वोट करती है उनके लिए। तो वो जो कनेक्शन बना देते हैं उसमें सुर की भी सच्चाई होती है, उसमें ऑनेस्टी की सच्चाई भी होती है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग टुगेदर। बहुत ज़रूरी है किसी भी शो में जजेस की केमिस्ट्री होना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अगर वो शो को सच्चाई नहीं दे सकते तो वो ट्रांसफ़र नहीं होती आप तक के। और एक हमारा हमेशा एक ही, हमारी मंशा जो है वो एक ही है कि दिल से दिल जोड़ा जाए, चाहे फिर वो हम आजू बाजू बैठे हों या आपके साथ जो हमारे संबंध है। मैं आज पूरी दुनिया में जहाँ भी परफॉर्म करने जाता हूँ, मुझे लोग मेरा काम तो है ही जो जानते हैं, लेकिन सारे गामा पास से ज़्यादा जानते हैं। तो ये एक जो सच है, क्योंकि सारे गामा पा जो है ना वो आपको सच्चाई दिखाता है, इंसान क्या है वो दिखाता है। क्योंकि आप जब इतने सारे कैमरे लगे होते हैं ना, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप जो हो वो दिखता है। और इसी तरीके से शो की जो, मैं ये बोलूँगा कि हम लोगों को बहुत प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे, मैं अमेरिका ऑडिशन ले रहा था तब मुझे पता चला था कि जितने भी वर्ल्ड में शो हैं, चाहे वो अमेरिकन आइडल है या फिर वो यूरोपियन आइडल है या फिर मिडिल ईस्ट में जो होता है या फिर हमारे पड़ोसी देशों में होता है या इंडियन आइडल है, कोई भी शो ऑल ओवर द वर्ल्ड में पहले चालू नहीं हुआ था। पहले चालू अगर कुछ हुआ था तो वो है सारेगामा पा, प्योर मेड इन इंडिया ऑर्गेनिक शो। तो ये हम लोगों को बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे देश ने ये पहला इनिशिएटिव लिया। और मैं चाहता हूँ कि एक ज़ोरदार तालियां सुभाष जी के लिए हो जाए ये सोचने के लिए कि हमारी नई जनरेशन के लिए क्या है प्लेटफॉर्म। तो हम कहीं ना कहीं सब इससे जुड़े हुए हैं और ये हमारा फ़र्ज होता है। और जो आपने आदि के बारे में बात करी, मैं आदि से एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतना टैलेंटेड लड़का इस उम्र में बहुत कम देखने मिलता है। और स्पेशली क्योंकि खुद इतने बड़े फैमिली से हैं, उदित जी के लड़के हैं और इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इनसे, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ होते हुए भी अपनी जगह बनाई हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में। इट्स अ बिग अचीवमेंट, प्लीज़ ज़ोरदार तालियाँ हो जाए। और मैं आदि से पूछना चाहूँगा, आदि आपका एसोसिएशन इतने साल से, बल्कि मैं बोलूँगा आदि सबसे पुराने हैं और इतने शो इन्होंने किया है, लिटिल चैम्प भी, ये भी, तो आदि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑन सारेगामा पा स्टेज एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टैलेंट एंड व्हाट इज द लास्ट रिजल्ट यू हैव सीन इन कंटेस्टेंट्स? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। 2007 से मैं इस प्लेटफॉर्म से और इस शो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। विशाल शेखर भाई भी थे पहले सीज़न में और मेरे लिए ये आई वुडंट इवन कॉल इट माई सेकेंड होम, ये मेरा घर ही बन गया है। मैं लिटरली इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा हुआ हूँ। मैं 18 साल का था जब 2007 में मैंने पहला सीज़न होस्ट किया था। लिटरली मैं बच्चा था, मैं पढ़ाई करके यहाँ पे आया था। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी टी वी का और सारेगामापा का, क्योंकि आज लोग अगर मुझे अपने नाम से जानते हैं, अगर मुझे अपनी पहचान मिली है तो वो सारेगामापा से मिली है। सो थैंक यू जी, थैंक यू सारेगामापा। क्या बात है, बहुत और अच्छा।
इस शो की खासियत मुझे ये लगती है कि हर साल एवरीथिंग असाइड यू नो जो बिजनेस एस्पेक्ट है उसको हम एक साइड में रखते हैं जो TRP और मार्केटिंग और ये सब है, बट सबसे अच्छा टैलेंट जेन्युइनली फ्रॉम ऑल द रियलिटी शोज, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कंटेस्टेंट्स हैं जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं वो सबसे पहले ऑडिशन करने सारेगामापा में आते हैं, जब सारेगामापा में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो वो दूसरे शोज में ट्राई करते हैं, और ये मैंने देखा हुआ है, ये अभी भी देख रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह जो शो में सिंगर बटे में वो एक्स सारेगामापा के जी। सो इन एवरी वे सारेगामापा इज द मदर ऑफ ऑल म्यूजिक सिंगिंग रियलिटी शोज, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि हम इसको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मानते हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं वो इसको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं, इंक्लूडिंग शेखर सर जिनकी शुरुआत सारेगामापा पे हुई थी, और बहुत बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर जो लोग आते हैं, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है जो म्यूज़िक टीम है, इतने सारे सिंगर्स हैं जो शायद top 5 top 10 top 15 में भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा वक्त गुजारा है 15 दिन 4 हफ्ते 1 महीने 2 महीने जो जिस तरह से तैयारी होती है इस शो पे, सुबह को उठ के रियाज करना यू नो 7 के 7 दिन सब म्यूजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ये किसी म्यूजिक स्कूल में भी नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल, ये मैंने एक्चुअली आदि की बात काट के बोल रहा हूँ कि ये मैंने पर्सनली देखा है कि जब मैं फर्स्ट सीजन कर रहा था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, यू नो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये प्रोसेस कैसा होता है, तो मैं सुबह उठ के ही उनके बंगले पे पहुंच गया, अब जो देख रहा हूँ तो सब ने उठ के नहा धो के फ्रेश होके रियाज चालू है सबका, और एक दिन नहीं मैं कम से कम 3-4 टाइम गया, तो ये एक सुबह और शाम तो ये जो एक उनको सेशंस मिलता है और ये जो रियाज होता है ना, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये अनकम्पेरेबल है कहीं भी रियाज के अलावा। बिल्कुल सर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू नो बहुत सारे शोज देखे हैं मैंने, बहुत सारे शोज का हिस्सा भी बनाऊँ, फोकस बहुत सारी चीज़ों पे होता है कि कंटेस्टेंट क्या पहनेगा, लड़की का मेकअप कैसा होगा, ये वो, बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि एवरीथिंग असाइड आप पहले अच्छा गाइए, यू नो फर्स्ट लर्न हाउ टू सिंग वेल, ट्रेन योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, और वो एक लाइफस्टाइल होती है, रियाज एक आदत होती है, वो आप हफ्ते में 3 दिन करेंगे या 2 दिन करेंगे तो ज़्यादा कुछ मामला जमता नहीं है, वो एक एवरीडे वाली जो हैबिट होती है, और साथ ही साथ जब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान से इतना सारा टैलेंट आया हुआ है जिनके पास मतलब कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं लोग, बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के पैदल आते हैं लोग ऑडिशन करने के लिए, जिनके घर में खाने पीने के पैसे नहीं होते हैं वो घर छोड़ के भाग के ऑडिशन देने आते हैं, और फिर जब वो बाकी 15-16 लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग यू नो कल्चर है, अलग एथनिसिटी है, कोई गुजरात से है कोई आसाम से है, व्हेन दे ऑल गेट टुगेदर और जब वो एक साथ बैठकर सुबह को सा लगाते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो ये जो फैमिली वाली बात होती है ना, ये मुझे कहीं नहीं मिलती है, स्पेशली द जजेस, यू नो मैं जजेस के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जितना इन्वेस्टेड सारेगामापा पे हमारे जजेस होते हैं मैंने किसी और शो में नहीं देखा है, जेन्युइनली फैमिली की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं, घर पे बुलाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, गाने सुनते हैं, जैम करते हैं, तो ऐसा माहौल यू नो ये सब बनाया नहीं जाता, ये हो जाता है, और ये सिर्फ तब होता है जब जेन्युइन लोग होते हैं और जिनका मकसद एक होता है कि म्यूजिशियन बनाने हैं, यू नो उभरते टैलेंट को। इसका मतलब कि हम जो ये हमारा सीजन का जो एक टैग लाइन है म्यूजिक से बने हम, ये एकदम परफेक्ट जाता है, ना कोई कास्ट है, ना कोई रेस है, ना कोई कलर है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, अगर है तो सिर्फ संगीत है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना था, ये आप सब मान रहे हैं कि मैं वाजिद जी आपसे बात कर रही हूँ, हम सब मान रहे हैं कि ये देश की सीमा लांघ के पूरे विश्व में फैल चुका है इसकी प्रसिद्धि और सारी कुछ, तो हम वहाँ जो NRIs हैं और जो हमारे भारतीय बसे हुए हैं उनके भी कुछ नगीने चुनकर लाएंगे इस शो में या सिर्फ इंडिया के ही लोग रहेंगे? मैम एक्चुअली ऐसा हो चुका है, मैं मतलब ऑल ओवर तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर मैं ऑडिशन लेने के लिए गया हूँ, मिडल ईस्ट में भी गया हूँ मैं और अमेरिका भी गया हूँ,
मतलब इत्तेफाक ऐसा था कि मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था और उसी दौरान सारेगामापा चालू होने वाला था, तो हमने उसको टाई अप कर लिया और उसकी ऑडिशन करे वहाँ पर। और बाकायदा मुझे बड़ा फख्र होता है बोलने के लिए कि अमेरिका के अंदर जब न्यूयॉर्क के अंदर हमने ऑडिशन लिया तो शिखर टोरंटो से, वैंकूवर से, एंड यू नो फ्रॉम ऑल ओवर वेस्ट ईस्ट साउथ, पूरा अमेरिका से लोग फ्लाई करके 6-6 घंटे की फ़्लाइट लेके वहाँ पर आए थे। तो यानी जज्बा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, जज्बा पूरी दुनिया में है। और संगीत एक ऐसी चीज़ होती है कि इवन मतलब अफ्रीकन कंट्री से भी बच्चे जिनको हिंदी नहीं आती लेकिन वो गा रहे इतना अच्छा है कि आप सुनोगे तो लगेगा अरे यार कमाल है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक प्रैक्टिकलिटी भी होती है, कुछ लोगों को आने में जाने में उनके पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ ऐसे बहुत लोग आते हैं वहाँ पर, मैंने बाहर अब्रॉड में ज़्यादा करके देखा है कि बहुत एजुकेटेड बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, जिनको गाने का बहुत शौक़ होता है, जो गाने सीखे हुए हैं, वो लोग भी आते हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ के नहीं आ सकते। तो वो ये सोचते हैं कि एटलीस्ट हम ऑडिशन दे के देख लें कि वेयर वी स्टैंड और क्या कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ा इशू था जो मैं कहना चाहूँगा आपको, जो मैंने काफ़ी टाइम नोटिस किया था कि एज एक बहुत बड़ा बैरियर था, एज जो था कि कभी पहले जो था 16 से लेके 28 साल तक के थे, तो उसके अंदर बहुत लोग छूट जाते थे जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घरेलू औरतें हैं जो काम नहीं करती, जिनको गाने का बहुत शौक़ है, वो लोग नहीं आ सकते थे। लेकिन इस वक्त, इस टाइम, इस सीज़न में एक तो एज का बैरियर टूटा है, तो एक माँ बेटी भी साथ में परफॉर्म कर रही हैं, बाप बेटा भी कर रहा है, गुरु शिष्य भी कर रहा है, भाई भाई भी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्टेज पे एज कोई लिमिट नहीं है। अगर इफ़ यू आर 40 ईयर्स ओल्ड एंड इफ़ यू थिंक दैट यू आर फैंटास्टिक इन योर सिंगिंग, यू आर वेलकम। आप 70 साल के हैं तो भी यू आर वेलकम टू कम। सो ऐसा बहुत हुआ ऑडिशन राउंड के अंदर कि बाप भी आए और बेटी भी आई, और हमने उनके पिताजी को भी गाने के लिए ऑफर दिया, और पिताजी ने ऐसा गाया कि बेटी से पहले बाप को सेलेक्ट करना पड़ा। सो ये दिस आर द थिंग्स विच हैपन्स। तो बाहर से आने के लिए लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए वो कहीं रह जाता है, बट इफ समबडी वांट्स टू कम दे आर वेलकम। इनफैक्ट इस बार एक अफ्रीकन नाइजीरियन लड़का था जिसने परफॉर्म किया, यूएस से भी दो लड़कियां आई थी, तो पार्टिसिपेंट्स इस बार भी आए हैं बाहर से, ये नहीं कि नहीं आए। हाँ नेपाल से तो अभी आ चुकी है टॉप 15 में। आप कुछ पूछ रहे थे? कोई सोना महापात्रा जी आपके ठीक सामने। हाँ सोना महापात्रा जी आपसे जानना चाहूंगा कि मी टू कैंपेन, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे प्लीज। हाँ जी, मी टू कैंपेन के जरिए आपने कुछ दिन पहले जिनका नाम लिया था, तो मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी शख्सियत को आप चाहेंगे कि वो आज़ाद घूमते रहे? क्योंकि कुछ बहुत सारी लेडी ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और वो चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन क्या आप उनके प्रति कुछ ऐसे पुलिस कंप्लेन या कुछ करना चाहेंगे? सिंपल सा मेरा सवाल है आपसे। आज का जो ओकेजन है सेलिब्रेशन का है, म्यूज़िक का है, और मेरे ख्याल से इट वुड बी बेस्ट इफ़ वी कीप द क्वेश्चन टू दैट। क्योंकि शेखर जी ने लेकिन जो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आई एम नॉट द टाइप टू, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं एक्चुअली प्रश्न भी समझ नहीं आया। आप चाहते हैं कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूँ? वो ये एक मिनट मैं बोलता हूँ। वो ये चाह रहे हैं कि जिन शख्स के ऊपर आपने इल्ज़ाम दिया है या बोला है जिनके बारे में, तो आप चाहते हैं कि वो आज़ाद घूमते रहें या उनके लिए आप पुलिस कंप्लेंट करना चाहेंगी? ट्रूथ इज़ कि ये जो अभी एक बात चली है, ये एक कलेक्टिव वॉइस है, ये पूरी देश का एक मूवमेंट चल रहा है, उसमें उतने ही औरतें हैं जितने अच्छे आदमी हैं जो चाहते हैं कि चेंज हो। तो मैंने सबका तो वो नहीं ले रखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी कर सकते हैं कंप्लेन अगर आप चाहें, क्योंकि नोबडी नीड्स टू बी अ बाईस्टैंडर इन दिस इशू। और बहुत लोगों को हिम्मत हुई है मेरी आवाज़ सुन के, और मैंने जैसे कहा कि सारेगामापा ऐसे मंच है जो मेरे जैसे जज को लेके आया है, तो इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने कंप्लेन किया था, सोचा नहीं था कि शो है, गाना है, क्या है, इट वॉज़ फॉर द बिगर कॉज of a better future for the country. तो सिंपल बात है, हम सब चाहते हैं कि हमारा कंट्री पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए और जो कचरा है बाहर निकले, और ऐसे जो शामें हैं जेन्युइन सेलिब्रेशंस रहें। सो आई थिंक वी आर ऑल काउंटिंग ऑन बेटर डेज, दैट्स ऑल आई कैन से।
On that note, guys, we come to the end of the open forum Q&As. Our judges and Aditya and Sharik, they'll all be around. We can ask them questions at the group interaction that we'll be a part of. So thank you so much for joining us today. Excuse me. Mera ek sawal hai. No, idhar se. Guys, today we cap the Q&A right. क्या मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं नई दुनिया दैनिक जागरण समूह से हूँ, विनायक नाम है मेरा. मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रियलिटी शो क्या आप रेप्लिका तैयार कर रहे हैं कलाकारों के, और दूसरी बात ये कि आप दोनों मंच पर हैं, बड़े संगीतकार हैं, क्या आप इन कलाकारों से अपनी बनाई कंपोजिशन नहीं गंवा सकते, जिससे देश को ये पता लगे कि ये पहले वे सिंगर हैं जिन्होंने आपके कंपोजिशंस गाए. आई वॉन्ट टू से समथिंग. आपने वैसे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स कंपोजर्स को पूछा है, बट आई एम टेकिंग योर परमिशन टू आंसर. बात यह है कि देश बहुत बदल चुका है, एंड म्यूज़िक जो है अभी सिर्फ प्लेबैक में लिमिटेड नहीं है. म्यूज़िक इतना बड़ा है और पहुंचा हुआ है अपने कंट्री में कि मेरे जैसे आर्टिस्ट शायद बॉलीवुड में मेरे हिट गाने हैं, लेकिन मैं 1 लाख 2 लाख इतने बड़े ऑडियंसेस के साथ आगे परफॉर्म करती हूँ अपनी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, अपने ओरिजिनल म्यूज़िक के साथ, फोक म्यूज़िक को रीइन्वेंट करके. और मुझे लगता है गज़ल हो, हमारे इतने जॉनरस हैं म्यूज़िक के. मैं तो हर परफॉर्मर और आर्टिस्ट को बोलती हूँ कि आप अपनी अस्तित्व बनाओ, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाओ, अपने गाने पे काम करो. इंटरनेट आ गया है, आपको किसी के लिए किसी के आगे एक ब्रेक या कोई लाचारी दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है. प्लेबैक होगा तो होगा, नहीं होगा फिर भी आपके आगे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट बन सकते हो. एंड आई फील ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि हम लोग आजकल उस टाइम्स में रह रहे हैं कि वी कैन होप टू कार्व आर ओन आइडेंटिटी एज एन आर्टिस्ट, आर ओन म्यूज़िक. एंड ऑफकोर्स इफ विद्वाजिद वॉन्ट्स टू कास्ट मी इन हिज सॉन्ग, आई विल नॉट से नो. आई हैव ऑलरेडी संग अ सॉन्ग मेनी ईयर्स अगो, सो अगर आप चाहें आप मुझे कास्ट कर सकते हैं, बट ना भी करें तो मैं रोऊंगी नहीं. एंड आई टेल पीपल that there are so many opportunities. एक playback break हो जाए, 1.3 billion का country है, इतने talented हैं, इतने मंच हैं, इतने platforms हैं. Honestly, we need to open up our minds to many more opportunities. और इस show के दरियान I must say कि ऐसे जैसे एक rap group आया था धारवी माटुंगा लेबर कैंप से, and उन्होंने मेरे साथ एक गाना record कर भी लिया है, और विराट कोहली के company के लिए I mean बहुत बड़ी launch होने वाली है. आप एक गज़ल सिंगर के साथ सिंगल करने वाले हैं, नॉट नेसेसरली फॉर अ फिल्म, क्योंकि जो फिल्म म्यूज़िक है बहुत बार नेरेटिव और बहुत सारे कारणों से बंधा हुआ रहता है. सो आई थिंक इंडिया इज़ लुकिंग फॉर अ ग्रेट फ्यूचर, क्योंकि कंज्यूमर्स हैव चेंज द वे दे लिसन टू म्यूज़िक. आजकल इतने सारे म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब स्टार्स हैं, और सारेगामा के मंच पर अलग अलग टाइप के स्टार्स आए हैं जो पहले से स्टार्स हैं, उनको प्लेबैक की ज़रूरत नहीं पड़ी है. So in a sense, ZTV, I feel, sorry, इतने देर तक चुप थी ना, मैं थोड़ा चांस ले रही हूँ वाजिद. Go ahead, तुम्हारी आवाज़ को कोई नहीं रोकेगा, सोना जिंदाबाद. बेबाक हूँ मैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि समवेयर आपने जो बैलेंस दिखाई है अपने जजेस में भी, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आई रिप्रेजेंट द आउटलायर. मैं तो अभी छोड़ूंगी नहीं. नहीं, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा. अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी आपकी बात काट के, आपकी बात गुलाब करके बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपका जो, भाई साहब ज़रा हाथ उठाएंगे आप. मैं सबसे पहले बोलूँगा आपको कि जो आपने अभी सवाल किया उसका जवाब ऑलरेडी दुनिया में आ चुका है और वो फेमस भी हो चुका है. मेरे दोस्त, मेरे भाई विशाल शेखर ने ऑलरेडी, हाँ प्लीज़, एंड ही इज़ गोना से अबाउट इट. आई वॉज गोइंग टू गिव इट टू यू ओनली, प्लीज़. सर 2007 में राजा हसन करके एक सिंगर थे, उनको हमने टेलीविज़न पे बोला था उनसे गाना गवाएंगे, हमने 3 गाने गवाए उनसे. 2010 में कमल खान करके एक सिंगर थे, आपने एक गाना सुना होगा इश्क सूफियाना, वो गाने के वो सिंगर हैं, उनके उनको अवार्ड भी मिल चुका है इस गाने के लिए. और अब 2018 में राजविंदर करके एक लड़की है जो गज़ल गाती है इस मंच पर, उनके साथ मैं एक सिंगल कर रहा हूँ. तो सिंगर्स को मौका मिल रहा है, और हम चाहते हैं, सिर्फ हम ही नहीं लेकिन जितने भी और म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जितने भी और प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब ये शो देखें और सब हमारे कंटेस्टेंट से एक गाना गवाएं. थैंक यू सो मच. सॉरी, जस्ट लास्ट वर्ड,
आप जो देखेंगे आप है ना, हमारे देश में कंटेंट एक्सप्लोजन हो रहा है, पिक्चरें हो, टीवी शोज हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, सो देयर इज इनफ एंड मोर स्पेस फॉर टैलेंट टू फाइंड वर्क. एंड सोना सेड इज दैट इवन अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिले, यूट्यूब है, आप खुद के वीडियोज बना करके यूट्यूब स्टार्स बन रहे हैं, हु आर बिकमिंग लेजिटिमेट स्टार्स इन देयर ओन राइट. तो हमारा व्हाट आर मेन एम इज कि आप है ना एक बड़ा प्लेटफॉर्म इनको दे, फिर आगे इनकी किस्मत. वो है ना विशाल शेखर के साथ गाएं, साजिद वाजिद के साथ गाएं, या सोना के साथ करें, वो दैट इज देयर दिस थिंग. बट यस, आवर जॉब इज टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म. एंड आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, हमारे जो पिछले साल के एक सिंगर थे जो लिल चैम्प्स में थे, उनको हम लोग ने एक्चुअली फ्लाई डाउन करके, एक मराठी पिक्चर हमारी आ रही है नाल करके, नागराज मंजुलेकर जिन्होंने सैराट बनाई थी, ही इज अ नॉन मराठी स्पीकिंग सिंगर, ही इज एक्चुअली संग अ मराठी सॉन्ग विच रिलीज लास्ट वीक. सो नाल का अगर आप गाना सुनेंगे, इज एक्चुअली लिल चैम्प्स सिंगर ऑफ लास्ट ईयर. सो यू नो, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, नहीं क्योंकि ये नॉलेज इसलिए बोलना चाह रहा हूँ मैं, शारिक मैं इसलिए ये नॉलेज देना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवाल बहुत टाइम आते हैं. अभी एक लड़की जो है लास्ट ईयर की, ज्योतिका तांगड़ी, वो ऑलरेडी काफ़ी फेमस हो रही है. शी इज़ बिन सिंगिंग ऑलमोस्ट 10-15 गाने गा चुके हैं. उससे पहले उस सीज़न के जो तनवीर थे उनको मैंने गाया डैडी फिल्म के अंदर, गवाया. उसके पहले शहनाज थे उनको गवाया, उसके पहले जसराज थे उनको गवाया. अब क्या है, हमारा काम है सबको गवाना. और उसके बाद में ये जो सोना ने कहा ना, ये बहुत सही बात है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको एक और चीज़ है जो हम हमारे कंटेस्टेंट से चाहते हैं कि दे शुड बी अ थिंकिंग म्यूजिशियन, कि जो अपनी खुद की ज़मीन बना सके. हमारा काम ये नहीं है कि हम उन्हें सिखाएं, हमारा काम ये है कि हम उनकी उनसे भेंट करवाएं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. The dinner and cocktails have been opened up. The bar is open. With that, we come to the end of the Q&A, but the press conference is not over. We'll have the judges and Aditya around for more group interviews at the round tables. Thank you so much, everybody. से बात करें, म्यूजिक की बात हो रही है, हंसते बोलते करते मजा करते. मैंने मजे दिलाए कि नहीं तुम लोगों को? तो फिर उस नोट पे शुरू करते हैं. और क्या? हाँ भैया बोलिए. अबे बोल तो दे भाई कुछ. सबसे पहले तो तू बड़ा छायवा यार. हाँ, नए सीज़न के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, हर सीज़न जब आता है ना तो बहुत सारी उम्मीदें आती हैं. और मुझे एक्चुअली बहुत खुशी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे इंडिया में जो टैलेंट है, वो टैलेंट की कहीं कमी नहीं है, वो इतना बढ़ते जा रहा है डे टू डे कि हम जहाँ पर भी जाते हैं, छोटे कस्बे में जाएँ, बड़े कस्बे में जाएँ, जहाँ भी जाएँ, संगीत के लोगों को भलती मोहब्बत होते जा रही है. तो मुझे ये लगता है सबसे पहले तो जितने शो हों उतना कम हो, और सारे गामा पा हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो, क्योंकि एक नई सोच लेके आया है सारे गामा पा इस वक्त. जो एक भेदभाव जो होता था हमेशा, स्पेशली एज का बोलूँगा, और कहीं पे भी कोई, जैसे अभी एक गे कंटेस्टेंट है हमारे पास, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है. जो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इतनी बड़ी तब्दीली है देश के लिए और हमारी सोच के लिए कि सब एक प्लेटफॉर्म पे, कोई ना तो बड़ा है ना कोई छोटा है, अगर कुछ है तो वो सिर्फ संगीत है, एज का कोई लेना देना नहीं. अच्छा जो गाएगा वही दिल तक छाएगा. और कंटेस्टेंट्स की जो एक मांगे बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि फ्यूचर ऑफ म्यूज़िक इज़ वेरी गुड. एंड स्पेशली जिस तरीके से पुराने गाने गा रहे हैं, जैसे हमको लगता था कि नहीं, पुराने गाने की डिमांड कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रही है, बट मुझे लगता है और बढ़ती जा रही है. बिकॉज लोग पुराने गाने बच्चे इस तरीके से तैयार करें क्योंकि उनको मालूम है अगर ये सही तरीके से गाया गया तो एक संपूर्ण सिंगर की निशानी है. सो आई थिंक इट्स ए ग्रेट स्टार्ट. और सारेगामा पा जब भी आता है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, और मुझे इसलिए बहुत खुशी है कि मैं ये चौथा सीज़न कर रहा हूँ सारेगामा पा का. और मुझे ज़्यादा रुचि इसी में रहती है कि मैं सारेगामा पा ही करूँ, क्योंकि जो इसकी सच्चाई है और इसकी जो एक सिंसियरिटी है शो की, कि वो जो एक ट्रू टू इटसेल्फ जो काइंड है, वो मुझे बहुत पसंद है. सो हाजी सर, ऑडिशन के चैलेंज क्या, कुछ चैलेंजेस रहे ऑडिशन में, क्योंकि काफ़ी कुछ यार एक्चुअली हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जब माँ और बेटी साथ में आए और दोनों साथ में गा रहे और कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है, और जब एक गुरु शिष्य आके साथ में परफॉर्म कर रहा है और शिष्य अच्छा गाता है या गुरु थोड़े से रह जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है. लेकिन मुझे ये चीज़ का बड़ा ही फ़ख्र है हिंदुस्तान की सोच पे इस वक्त, कि गुरु अपने शिष्य के लिए आके गाना चाह रहा है. उनको ये परवाह नहीं, अगर मैं हार भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरा शिष्य जीत जाए. और माँ बेटी आ रही है, और ऐसा हुआ भी
माँ बेटी आई और ऐसा हुआ कि माँ बेटी वैसे बड़ा ही नोकझोंक कर रही थी, लेकिन जब वो गाने लगी तो बेटी ने परफॉर्म किया और माँ का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक हुआ, तो द डॉटर वॉज क्राइंग एंड शी सेड, यू नो वॉट, अगर आप मुझे निकाल भी दें तो चलेगा, बट आई वॉन्ट माई मदर टू कम, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ बचपने से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, एंड शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। सो आई थिंक ये सब चीज़ें जब आप सच्ची बातें देखते हो ना तो आपको भी अच्छा लगता है। तो हमने उनको एक और चांस दिया, तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट मोमेंट फॉर अस, बिकॉज रूल के हिसाब से ऐसा है कि अगर जूरी ने 50% के अंदर दिया तो हम बात भी नहीं करेंगे, तो उनको 50% के अंदर मिला था, लेकिन आई सेड कि हम ज़्यादा नहीं तो एक चांस और दे सकते हैं, और जूरी का जो स्कोर है वो दूसरे गाने के हिसाब से वी कैन यू नो सी, अगर वो दूसरा गाना सही गाती हैं तो शी विल बी इन, और अगर नहीं गाती हैं तो शी विल बी आउट, तो इट्स अ फेयर चांस वी आर गिविंग। तो हम दो टाइम गवाते हैं, और अगर कोई इमोशनल रहता है तो हम उसको पहले बिठा देते हैं, और बल्कि इस टाइम तो ऐसा हादसा हुआ कि मेरे पैर पे बहुत ज़ोर से लग गई थी एक हाइड्रोलिक टेबल, आई गॉट हर्ट, और बल्कि जो नेक्स्ट सैटरडे संडे है मैं नहीं हूँ, अमाल को मैंने रिक्वेस्ट किया और अमाल आ रहा है, क्योंकि मेरे पैर में इतना सूज गया था, लग गई थी कि मैं आ नहीं सका, लेकिन उसके बावजूद मैंने 3 दिन कंटिन्यूसली शूट किया फॉर 16 आवर्स, बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमारी तकलीफ़ तो हम जो सोच रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अगर हम कंटेस्टेंट की तरफ से देखें तो कोई पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, केरला से, और वो लोग आने के बाद में लाइन में 3-3 दिन खड़े हैं ऑडिशन दे रहे हैं, और उसके बाद में हमारे तक अगर वो आ रहे हैं तो उनको 2 मिनट का गाने का चांस है, 2 से 3 मिनट, तो जस्ट इमेजिन उनकी इंटेंसिटी क्या होती होगी कि वो 3-3 दिन रहते हैं वहाँ पर, वड़ा पाव खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, बट दे आर नॉट गिविंग अप, यू नो, दे जस्ट वांट टू कम एंड किल इट ऑन द स्टेज। तो जब उनका ये जज्बा रहता है तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे को अगर बर्दाश्त भी करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक वी शुड गो आउट ऑफ द वे फॉर देम। सो दिस इज़ अ इमोशनल थिंग फॉर अस, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी बिजी, हम काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम भी इतने थक जाते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक के, यू नो, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग, बट वेन यू लुक अराउंड एंड वेन यू सी कि हम अगर इस एज में ऐसा फील करें तो वो लोगों को कितना होगा, हमें तो जबकि इनसिक्योरिटी नहीं है, हमको तो सिर्फ जज करना है और हमें सिर्फ ये बोलना है कि नहीं आप थोड़ा सा ऐसा गाए या थोड़ा वैसा गाए, लेकिन जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी उसकी जो दिमाग की स्थिति होगी वो क्या होगी। सो वी हैव टू यू नो काम देम डाउन, वी हैव टू रिलैक्स देम, वी हैव टू स्पीक विद देम नाइसली सो दैट दे फील एट ईज एंड दे गिव देयर बेस्ट। तो वाजी सर 23 साल हो गए और आपका 4th सीजन, क्या कुछ आपने डिफरेंस देखा सारे काम आप क्या? यार एक जो सुर है ना, सुर साधना तो है ना, वो बड़ी सच्ची है, और डिफरेंस तो ये सीज़न में ये देखा है मैंने, एक तो डिफरेंस ये है कि हम दोनों भाई साथ में नहीं कर रहे हैं, सो आई एम मिसिंग माई ब्रदर अलॉट, क्योंकि साजिद भाई के बिना मेरा मन नहीं लगता, हम लोग दोनों भाई इतने क्लोज हैं, बचपने से साथ में हैं, और स्कूलिंग साथ में हुई, बंक साथ में किया, फेल तो नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ किया साथ में, तो वो साजिद भाई नहीं होना तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट शेखर एंड सोना इज़ देयर एंड दे हैव बीन सो स्वीट एंड सो काइंड, सो मज़ा तो आ रहा है। और सबसे चेंज जो चीज़ है ये जो एज डिफरेंस चेंज हुआ है, और ये जो जेंडर जो चीज़ है वो चेंज हुई है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के कोई से भी चैनल पे कोई गे कंटेस्टेंट है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड हैट्स ऑफ टू जी चैनल फॉर यू नो गोइंग अहेड, और देश के साथ जो आवाज़ लगाने का चैनल है वो जी में ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कि 23 साल से एक शो को मुसलसल तौर पर लेके आना और 23 साल से हिंदुस्तान को इतने बड़े बड़े सिंगर देना, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी देना, और माफ़ करना, ये एक रोज़ी रोज़गार का साधन भी बनता है, जो लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं वहाँ पर जिनको डेली वेजेस मिलता है, डेली खाना मिलता है, तो आई थिंक इट्स अ लॉट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन ऑल्सो, तो जो सीन है वो तो है ही, लेकिन पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। वाजी जी एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2 दिन पहले नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि ये कोई जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री की पहचान सलमान खान के फिल्मों से, आप कितना मानते हैं स्टेटमेंट आया है ना, कितना सही है ये? हम सारेगामा की बात करें, मतलब आप भी इंडस्ट्री के पार्ट हैं? नहीं नहीं ऐसा तो खैर नहीं, वो अभी किसी का क्या मंशा है बोलने की वो तो मैं नहीं बोल सकता उसके बारे में, लेकिन देखो हमेशा एक बात याद रखना, ये सबसे मैं कहूँगा, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सारे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पब्लिक जो है ना वो सब जानती है दोस्त,
और जिसको पब्लिक सराहती है ना, क्योंकि आवाम की आवाज़ है नगाड़ा खुदा, ये बात याद रखना, जो आवाम की आवाज़ होती है ना वो खुदा की आवाज़ होती है। आवाम किसी को भी सुपरस्टार नहीं बनाती, नहीं तो फिर तो सब आते और सुपरस्टार बन जाते। तो जो भी हमारे सुपरस्टार्स हैं और जो एक्टर्स हैं फॉर दैट मैटर, दे ऑल आर वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। कोई भी एक शख्स से कुछ नहीं चलता, जितना एक स्टार बिजी है उतना ही एक स्पॉट बॉय इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो काम करता है वो काम स्टार नहीं करता। कैमरामैन भी इंपॉर्टेंट होता है, म्यूजिक डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोरियोग्राफर होते हैं, लोकेशन होता है, सेट डिज़ाइनर होता है, यानी एक छोटे से लेके बड़ा आदमी, हीरोइंस होती हैं, मेकअप मैन होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं। जब आप सेट्स पे जाओ या आप ये सब देखो, हम सारे गाँव आप आके सेट्स पे देखते हैं तो ये लाइट्स हमको सामने से दिख रही है, वो जो लाइटिंग दिखती है ना आपको, ये पूरी यहाँ से वहाँ से हो रही है, वो पूरा ऊपर प्लैंक्स लगे हुए हैं और लोग, कमाल की बात है, वहाँ पर 16-16 घंटा बैठते हैं, जस्ट इमेजिन, उफ। और वो लोग बैठ के वो लाइट देखते रहते हैं कि परफॉर्मेंस पे यहाँ लाइट जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो यार कितनी मेहनत होती है। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन एंड रिस्पेक्ट आवर ऑडियंस जो हमारे इसको एंटरटेनमेंट को आके सराहती है और इतना बड़ा स्टेज बनाती है। मेरी तरफ से, मैं वाजिद फ्रॉम साजिद वाजिद, नमस्कार नमस्कार, मैं वाजिद फ्रॉम साजिद वाजिद और सारे गमा पा जी के और जितने भी हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया की व्यूवर्स हैं उन सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली मेरा पर्सनल फेवरेट त्यौहार है बिकॉज जो दीपक जलते हैं और जो लाइट जलती है, रोशनी होती है, तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की रोशनी फैल जाए। बट आई वुड ओनली रिक्वेस्ट वन, हैव अ सेफ दिवाली। थैंक यू सो मच। सेटल हो जाओ, आराम से, आराम से करते, आराम से करते, अच्छी तरह से करते, अच्छी तरह से करते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? नई सीजन की शुरुआत हो रही है सारे गांवों पर, मेरे लिए तीसरा सीजन है, 2007, 2010 और 2018 में बतौर जज। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फिर से इस देश का टैलेंट हमारे सामने आ रहा है यार। बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं इस मंच पे, इस शो पे। आप ये शो ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ जो बात बन रही है, जो संगीत हो रहा है वो बहुत ही कमाल का हो रहा है। शनिवार रविवार 9 बजे ज़रूर देखिएगा। सर, दूसरा सवाल, किस तरह का ऑडिशन रहा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ऑडिशन बहुत अच्छा रहा लेकिन कठिन भी रहा, क्योंकि देखिए सिंगर्स अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, आसाम हो, गुवाहाटी हो, पंजाब का कोई गांव हो, या साउथ से हो या नॉर्थ से हो, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लंबी लाइनों, लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, उसके बाद उनको मौका मिलता है और जो सिंगर डिज़र्विंग है, जो गाता है, उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छा टैलेंट है इस देश में और उसको बढ़ावा देना हमारा काम है। सर, आखिरी सवाल ये है कि दो दिन पहले नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि इंडस्ट्री की पहचान सलमान खान के फिल्मों से हो, आप क्या कहना चाहेंगे सर? कि सर, मैं सिर्फ इस म्यूज़िक शो के बारे में बात करूँगा। आप इंडस्ट्री का पार्ट हैं तो मैं इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री के म्यूज़िक संगीत का पार्ट हूँ। ये संगीत के लिए अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछें। सर, म्यूजिक की बात करें, रिमिक्स आ गया है, उसके लिए शिकायत होती है कि पुराने गाने यूज़ किया जाए। सर, अच्छी तरह से किया जाए तो मज़ा आता है और अच्छी तरह से ना किया जाए तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और अच्छी तरह से किया जाए तो हर आई थिंक हमारी जनता जो है उसे सक्सेसफुल बना देती है। सर, ऐश्वर्या का बर्थडे है कल, क्या विश करना चाहेंगे? ऐश्वर्या, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वो बहुत अच्छी इंसान है और मैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सो आई वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। शेखर, दिवाली विश लास्ट। आप सबको मेरी तरफ से, यानी कि शेखर रफजानी की तरफ से, दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैंने जैसे कहा मुझे एक नया फैमिली मिल गया है। पूरी दिन ये म्यूज़िक क्यों चलता है यार, हाउ आर वी सपोज टू कॉन्सेंट्रेट, बट एनीवे करते हैं, है ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा है। ओके, जैसे मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ऐसे म्यूजिशंस के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। मैंने जैसे सोचा ही नहीं था,
गज़ल गायकी में निपुण हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस आ रहे हैं, पॉप गाने वाले आ रहे हैं, फोक गाने वाले आ रहे हैं, और मैं जो हमेशा मैंने कहा है कि एक टाइप का फ्लेवर इतने बड़े कंट्री में जहाँ पे इतने इतने अलग अलग प्रांत हैं, इतने अलग स्टाइल हैं गाने के, वो बोरिंग हो जाता है। तो इतने सारे जो सिंगर्स और अलग टाइप का म्यूज़िक, मुझे जो हम लोग 15-15 घंटा बैठते हैं सेट्स पे, एक तो लगता है कि म्यूज़िक में डूबे हुए हैं, और जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि जी टीवी को दाद देनी पड़ेगी कि मैं जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने पूरी रिसर्च की थी कि मैं ट्रेंड हूँ हिंदुस्तानी क्लासिकल में, मैं परफॉर्मर भी हूँ, सिर्फ प्लेबैक नहीं किया है, मेरे उतने ही इंडिपेंडेंट ओरिजिनल गाने हिट हैं जितने प्लेबैक में हैं। तो उन्होंने जो बैलेंस लिया है कि अलग अलग टाइप के जजेस लिए हैं, हमेशा हम लोग अग्री नहीं करते हैं, ये नहीं कि शेखर ने कुछ कहा तो मुझे अग्री करने की ज़रूरत है, हम लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और मुझे लगता है एक ऑथेंटिसिटी है इस बात में है। और पहली बार 23 इयर्स में इन्होंने फीमेल जज लिया, और वो भी मेरे जैसे फीमेल जज जो काफ़ी बेबाक हैं, वो आप सबको पता है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और क्या बोलूँ। कुछ ऑडिशन के टाइम के मेमोरीज कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? ऑडिशन बहुत ही स्पेशल थे, क्योंकि वैरायटी ऑफ सिंगर्स बहुत थे, 300 सिंगर्स हम लोगों ने सुने। इस बार एज का भी कोई लिमिटेशन नहीं है सारे गांव पा में, वो बहुत स्पेशल बात थी। ऐसे पापा मम्मी, मैंने मम्मी और उनकी बेटी भी यहाँ ही परफॉर्म करने के लिए, पापा और उनकी बेटी भी आए, 50 इयर्स प्लस के भी एज आएँ, तो एज ग्रुप का कुछ नहीं था, और बहुत अलग अलग टाइप के सिंगर्स को सुनने को मिला, जो गज़ल गायकी में बिल्कुल सॉलिड उनकी प्रिपरेशन है, फोक सिंगर्स आए, क्लासिकल म्यूजिशियंस आए हुए हैं, एक लड़का है सुप्रित करके जो बहुत ही तैयार है, मैंने कहा बिल्कुल कोलकाता के जो राशिद खान के नाम ऊपर कर रहे हैं वो। तो मुझे जो लग रहा है कि इस बार का जो सारेगामा पा है टैलेंट के कारण, एज़ यूजुअल, क्योंकि सारेगामा पा हमेशा एक सीरियस म्यूज़िक का मंच माना जाता है, चाहे सबके स्टोरीज़ ऐसे हो, कभी दुख वाले स्टोरीज़ हों, इंटरेस्टिंग बैक स्टोरीज़ हों, लेकिन उसके कारण कोई आगे टिकट लेके नहीं जाता है। सिंगिंग आपकी सॉलिड होनी चाहिए, और मेरे तरफ से मैं तो हमेशा ढूंढती हूँ कि सिंगर जो है वो सिर्फ गाना जैसा है ओरिजिनल उसको तोते की तरह गा के निकल जाए तो मैं तो इम्प्रेस नहीं होती हूँ। मुझे लगता है कि अपनी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक आप जहाँ से आते हो, आपके जो रूट्स हैं वो झलक आनी चाहिए आपके गाने में, एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, और एक स्पॉन्टेनियस जो इम्प्रोवाइज़ करने की शक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि सारेगामा पा में म्यूज़िक जो परफॉर्मेंसेस होते हैं अलग होते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मैंने जैसे कहा, मुझे लगता है कि कोई एज नहीं होता है सीखने के लिए, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और इंस्पिरेशन ये मिल रहा है कि भाई रियाजी तो होना ही चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो उस पर मेरा ध्यान है। मैं एक्चुअली लाइव परफॉर्मर हूँ, मैं हमेशा दिल से ही गाती हूँ, और जो करती हूँ दिल से ही करती हूँ, इतना कुछ सोच समझ के नहीं करती हूँ। प्लान तो यही था कि मैं ख़त्म करूँगी और फिर कोहिनूर आके अपना गाना गाएंगे, लेकिन कोहिनूर बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट हैं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरिट पे चुने गए हैं। लोगों को लगता है सेक्शन 377 निकल गया तो इन्होंने कोहिनूर को चांस दिया है, ताकि सब क्रेडिट लें कि हम लोग अभी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सिंगर अच्छे नहीं होते तो वो उनको मैं तो कभी नहीं चूज़ करती। वो मेरी गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत ही अच्छी सिंगर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है, एक टाइप का सिंगर नहीं होता है कि जो क्लासिकल गाता है इम्प्रेस कर लेता है, दो तान ले लेता है, हर टाइप के जॉनर में दिग्गज सिंगर्स होते हैं, और वो बिल्कुल सॉलिड उनकी तैयारी है सिंगिंग की। और आज का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल दिल से था, स्पॉन्टेनियस था, यहाँ पे जो म्यूजिशियंस थे उन्होंने हमारे साथ कभी बजाया भी नहीं है, नॉर्मली रिहर्सल्स होते हैं बहुत सारे शो के पहले, आज ऐसे ही हमने इनफॉर्मल एक प्रेस के साथ परफॉर्मेंस किया, लाइव परफॉर्मेंस दिया, तो मुझे लगा कि उसको आगे लेके मन किया, क्योंकि कोहिनूर ने मुझे बता रखा था कि वो बेदर्दी राजा है जो मेरा गाना है, उनका फेवरेट है, अंबर सरिया भी वो गाती हैं,
तो मुझे लगा कि वो अपना गाना गा के निकल जाएंगी तो बात नहीं बनेगी, मेरे साथ मंच पे खड़े होके गाएगी तो जैसे ब्लेसिंग्स है ना यहाँ पे, तो ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे। मैंने एक्चुअली ये बात सुनी नहीं, मैं हर चीज़ पे ओपिनियन देना मुझे लगता है अजीब होता है, ऐसे ही कुछ हर बात पे बोल लूँ, सुहेल सेठ जैसे बोलते हैं लुक सेंटर। मैं इंडस्ट्री की पार्ट हूँ हाँ, तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, आई मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, फिर से समझाइए। हाँ, ये नसीरुद्दीन शाह ही नहीं बोल रहे हैं, ये पूरी कंट्री जानती है कि कोई एक आर्टिस्ट या कोई एक एक्टर से कोई पहचान नहीं बनती है यहाँ पे। तो स्त्री जैसे फिल्म जो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, अभी 200 करोड़ करने वाली है, जो कंटेंट बेस्ड फिल्म है आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने कल ही अंधाधुन देखा, मैंने उससे पहले बधाई हो देखा, आयुष्मान खुराना जेन्युइनली मेरिट पे बने हुए आर्टिस्ट हैं, पहले आरजे होते थे फिर वीजे बन गए फिर एक्टर बन गए, ट्रूली टैलेंट है। और नीना गुप्ता और उनका जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा है कि मुझे लगता है आजकल स्टोरीज़ किंग है, कंटेंट इज़ किंग, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि करेंटली राजकुमार राव इज़ अ सुपरस्टार और हमेशा रहे हैं। और अगर आपको पता नहीं है अभी जो आगे वीकेंड में परफॉर्मेंस होने वाला है सारेगामा पापे, मैं अपना घराने को प्रेजेंट करने वाली हूँ एक ऐसे गाने के साथ जो मेरा अपना है आजावे, वो उतना ही पॉपुलर है जितना मेरे फिल्म्स गाने हैं, और उस पर राजकुमार राव का पहला ब्रेक था, वो जो वीडियो बना था 10 साल पहले, राजकुमार राव तब स्टूडेंट थे FTI के, और उस गाने में मैं कैसे बात करूं, आप इतना बात कर रहे हो जो कैसे करूं। हाँ, तो आजावे जो हम लोग सारेगामा पापे अभी मेरे घराने को प्रेजेंट करने वाले हैं, मुझे लगता है अच्छे टाइम्स हैं क्योंकि कोई रूल नहीं है कि फिल्मी गाना लेके आओ सारेगामा पापे, कोई रूल नहीं है कि मेरे जैसे बेबाक आर्टिस्ट को GEC मेन स्ट्रीम में मत डालो क्योंकि पता नहीं क्या बोलेंगी कहाँ पे, किसी को ऑफेंड कर लेंगी। मुझे लगता है टाइम्स आर गुड, राजकुमार राव अभी सुपरस्टार बन रहे हैं तो फ्यूचर तो ब्राइट है इंडिया का। थैंक यू जी। सो दिवाली विश आपकी तरफ से, आप सबको मेरे तरफ से और पूरे सारेगामा के फैमिली के तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली को मनाइए म्यूज़िक, फैमिली, गाना बजाना और नाचना, और ये तो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल दिवाली वाला है, और हम लोग इसके बाद आप सबके साथ पार्टी करने वाले हैं, तो दिवाली हमारी जल्दी शुरू होने वाली है।